हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी कढ़ाई में आपका स्वागत है। मार्केट से अक्सर हम डाइजेस्टिव फाइबर बिस्किट खाते हैं, क्या हम वो बिस्किट घर पे बना सकते हैं? जी हाँ, आज की वीडियो में हम बनाएंगे आटे के फाइबरस बिस्किट्स। और इन बिस्किट्स को बनाने के लिए आपको ओवन की ज़रूरत नहीं है, हम ये बिस्किट्स बनाएंगे कढ़ाई में। तो आइए देखें कैसे बनेगी ये रेसिपी। देखने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए जिससे कि आपको हमारी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बिस्किट्स बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप आटा, ये 125 ग्राम आटा है। सारे मेजरमेंट्स को आप ध्यान से देखें और यही मेजरमेंट्स यूज करें ये फाइबर बिस्किट्स बनाने के लिए। फिर फाइबर के लिए हम लेंगे व्हीट ब्रान, जिसे चॉपर भी कहते हैं, ये 1/2 कप है, तकरीबन 45 ग्राम, ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सभी ड्राई चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इस तरीके का बलून विस्क भी ले सकते हैं या इसे सिंपली मिक्स कर लीजिए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे गुड़ या जागरी, मैंने गुड़ को कद्दूकस कर लिया है, ये तकरीबन 1/2 कप गुड़ है, 70 ग्राम, आप चाहे तो शक्कर भी यूज कर सकते हैं। फिर हम लेंगे 60 ग्राम देसी घी, देसी घी की जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो नमक नहीं डालिए। अब इन सभी चीजों को हमें मिक्स करना है और बिस्किट्स के लिए एक डो तैयार करना है, इसे हमें गूंद लेना है। तो पहले हम ब्रेड क्रम की जैसे कंसिस्टेंसी बनाएंगे, तो आपको इसे ऐसे ही मिक्स करना है हाथों से, अपने उंगलियों के टिप्स यूज करें इस डो को बनाने के लिए पहले। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, दूध एक बार में नहीं डालना है, जितना दूध हमें आटा गूंदने के लिए चाहिए उतना ही दूध हम यूज करेंगे। एक बार में हम 1 से 2 टीस्पून दूध डालेंगे और इसे गूंद लेंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी हमारा आटा गूंद जाएगा, बहुत ज्यादा दूध की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने गुड़ डाला है, घी डाला है। और ये देखिए हमारा डो तैयार है, बाउल बिल्कुल क्लीन है, इसके ऊपर आप 1 से 2 मिनट के लिए और काम करें। और ये देखिए हमारा बिस्किट्स के लिए डो बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम थोड़ी देर 10 मिनट तकरीबन फ्रिज में रख देंगे कि ये फर्म हो जाए। आप चाहे तो इसे प्लेट से कवर कर सकते हैं या एक क्लीन फिल्म से कवर कर सकते हैं। जब हमारा डो रेस्ट कर रहा है फ्रिज में, आइए हम अपने ओवन को हीट कर लेते हैं। जी हाँ, हम ये बिस्किट्स कढ़ाई में बना रहे हैं, तो कढ़ाई में आप 1 कप नमक ले लीजिए, इसे इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए और इसके अंदर हम रख देंगे 1 बेस, आप चाहे तो कटोरी ले लीजिए या इस तरीके की कोई प्लेट रख दीजिए। अब हमें इसे हीट करना है मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए। और हमारा बिस्किट का डो भी बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको आप 1 से 2 मिनट के लिए और इसको गूंदें। और अब हम अपने बिस्किट्स तैयार करते हैं, इसके लिए एक फ्लैट सरफेस के ऊपर सूखा आटा स्प्रेड करिए जिससे कि बिस्किट्स को रोल करने में आसानी हो। हम इस तरीके का बेलन ले लेंगे और इसको भी थोड़े से सूखे आटे से रब कर लेंगे। फिर बहुत ही हल्के हाथों से आपको ये डो स्प्रेड करना है, इसको रोल करना है, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाइए। इस तरीके से साइड से डो थोड़ा सा क्रैक होगा तो फिकर नहीं करिए, क्योंकि हमने गुड़ डाला है इसलिए ये डो क्रैक होगा, बट आपको ट्राई करना है कि आप जितना शेप मेंटेन कर सकें, डो की थिकनेस मेंटेन कर सकें उतना कर पाएं। तो हल्के हाथों से इसको स्प्रेड करते रहिए, जब ये डो स्प्रेड हो जाए तब कुकी कटर या इस तरीके का कोई ढक्कन लेके आप गोल गोल बिस्किट्स को कट कर लीजिए। आप चाहे तो कोई भी बिस्किट की शेप दे सकते हैं, बट क्योंकि हम डाइजेस्टिव बिस्किट बना रहे हैं तो हम उसकी सेम लुक देंगे, इसलिए मैं ये गोल कट कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम एक टूथपिक लेंगे, उससे हमें छोटे छोटे होल्स करने हैं, जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट्स के ऊपर होते हैं उस तरीके से हम इन्हें प्रिक कर लेते हैं, इससे बिस्किट्स फूलेंगे भी नहीं। तो हम सारे बिस्किट्स को सेम तरीके से प्रिक कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम एक ग्रीस्ड प्लेट लेंगे, इसको मैंने देसी घी से ग्रीस कर लिया है, और फिर हमारे तैयार करे हुए डाइजेस्टिव बिस्किट्स को इस थाली के ऊपर रख देंगे बेक करने के लिए। ध्यान रखें 2 बिस्किट्स के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि ये जब बेक हो तो ये आपस में लगे नहीं।
एक बैच में जितने बिस्किट्स आप रख पाए उतने प्लेट के ऊपर रख दीजिए। और ये बिस्किट्स को अब हम रखते हैं हमारी प्री हीट करी हुई कढ़ाई में। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, आप बहुत ही ध्यान से इस प्लेट को कढ़ाई में रखिए क्योंकि कढ़ाई गर्म है। हम इसको कवर कर देंगे एक प्लेट से और अब हमें बिस्किट्स को बेक करना है लोएस्ट फ्लेम के ऊपर। ये तकरीबन 30 से 35 मिनट लेंगे बेक होने के लिए। आपको ध्यान रखना है कि बीच बीच में बिस्किट्स को चेक जरूर करिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये बिस्किट्स का नीचे का पार्ट ब्राउन हो जाएगा, तो इसको आप फ्लिप कर दीजिए और फिर हम बेकिंग कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारे बिस्किट्स क्रिस्पी हो जाएं। इन बिस्किट्स को मैं आपको एयर फ्रायर में भी बेक करके दिखाती हूँ। इसके लिए आप एयर फ्रायर को 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए। और मैंने एक और बैच बना लिया था बिस्किट्स का, तो उन बिस्किट्स को भी मैं एयर फ्रायर की बास्केट के अंदर डाल दूंगी। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है और आप अवन में बनाना चाहते हैं इन बिस्किट्स को, तो आप अवन में इनको 160 डिग्रीज के ऊपर 15 मिनट के लिए बेक करें जब तक बिस्किट्स क्रिस्प हो जाएं और वो उनको एक बहुत अच्छा गोल्डन कलर मिल जाए। सारे बिस्किट्स रखने के बाद हम इन्हें एयर फ्राई करेंगे पहले 140 डिग्रीज पे 8 मिनट के लिए और उसके बाद हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। हम 160 डिग्रीज पे फिर इनको 4 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो टोटल एयर फ्रायर में हम इन बिस्किट्स को बेक करेंगे 12 से 13 मिनट के लिए जब तक ये क्रिस्प हो जाएं। और हमारे बिस्किट्स तैयार हो गए हैं, ये देखिए। अब इनको हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं ताकि ये और क्रिस्पी हो जाएं। और हमारे कढ़ाई वाले बिस्किट्स को भी हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, ये बिस्किट्स हमने कढ़ाई में बनाए हैं, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना ये। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं और क्रंची हैं, आप आवाज सुन सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्प बिस्किट बने हैं। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ तो आप आवाज से अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये बिस्किट्स कितने बढ़िया बने हैं। जो हमने ये एयर फ्रायर में बिस्किट्स बनाए हैं ये भी बहुत ही अच्छे बने हैं, क्रंची बनते हैं और टाइम भी कम लेते हैं कढ़ाई के बिस्किट से। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिस्किट्स भी क्रंची हैं, इनकी आवाज सुने। तो आप ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स किसी चीज में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें कढ़ाई में बनाएं, एयर फ्रेम में बनाएं या ओवन में बनाएं। बेस्ट पार्ट ये है कि ये बहुत हेल्दी बिस्किट्स हैं क्योंकि ये बने हैं आटे से, गुड़ से और हमने फाइबर के लिए यूज किया है वीट ब्रांड जो कि है चॉकर। तो एंजॉय करें इन डाइजेस्टिव बिस्किट्स को, बनाएं, स्टोर करें इनको एक एयरटाइट कंटेनर में और एक कप चाय के साथ इनको एंजॉय करें। ये बहुत ही टेस्टी आटे के बिस्किट्स हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और बताइए कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और हेल्दी क्राई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज लाते रहेंगे।